आप सबों को यीशु सहाय। और आइए आज का आराधना में आप सबों को स्वागत करते हैं। हम लोग आराधना आरंभ करते करने से पूर्व हम लोग पिता परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अति उत्तम आशीषों के लिए। सनातन पिता परमेश्वर, विगत समय के जीवन को पिता परमेश्वर ने संभाला। और प्यारे पिता, आज जब हम छठवां त्रिनेतातिस काल के पवित्र गिरजा आराधना ऑनलाइन के माध्यम से हम करना चाहते हैं प्रभु, हर एक के बीच में हर एक जगह में पिता आपने उपस्थिति को दे, ताकि तेरे उपस्थिति में होकर प्यारे पिता हम आज तेरी महिमा और तेरे जय जयकार करते हुए आज के वचन को प्यारे पिता परमेश्वर हम सुनने पाए और अपने जीवन में अमल करते पिता तेरी महिमा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, मंडली के छोटे बड़े हमारे प्रिय माता पिता मुकाम तेरा हाथ में सौंपता प्रभु। दुख मुसीबत में पाए जाते हैं हर एक संसार को रहा कर, हर एक के ऊपर अपने कृपा में हाथों को तो बरकरार रखा कर, और हर प्रकार दुख और बीमारी से हर एक को तो शुद्धि दे। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमारी सहायता कर कि आज की आराधना आरंभ से अंत तक पिता हम हर एक की तो सहायता प्रदान कर। यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आराधना आरंभ करते हुए हम लोग सक्षीवाणी 337 से गाएंगे। सक्षीवाणी 337, आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष कुंदे। 337, आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में अपने आशीष सुने, अभी तो आजा हमारे बीच
परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। तो ते हो वे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ आराम में जैसा सामने अपने पापों को घुटने टेक कर मान ले हुए और एक साथ यूं कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तैसा अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। आमीन। मंडली खड़े हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए और पृथ्वी पर कौशल और मानुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु मंडली के संग हुए शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको अपने पुत्र यीशु के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है और हम तेरे ऐसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में सच्चा विश्वास और दृढ़ आसरा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवत होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परमसुत के भागी हो जावे, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आमीन। आइए आज के लिए जो 18 या पाठ वचन है वह हमारे लिए पाया जाता है। पहला वचन मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय पद संख्या 21 से लेकर 26 वचन तक। मत्ती 5 उसका 21 से 26 पद तक। दूसरा पाठ वचन रोमियों के नाम उसका 6 अध्याय पद संख्या 2 से सॉरी रोमियों के नाम उसका 6 अध्याय पद 3 से 11 पद तक।
रोमी 6:3 से लेकर 11 पद तक, मत्ती 5:21-26, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने उद्देश्य के साथ मार्ग ही में है उसे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुदय तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदगी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक आमीन, धन्यवाद। दूसरा वचन हम लोग रोमी उसका 6 पद हम लोग 3-11 वचन तक हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आमीन, तेरा धन्यवाद होवे हे क्रिस्त यीशु। हल्लेलुया जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 5 के आज्ञा से दुख उठाया, क्रोस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पिताली कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा देख उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। गाएंगे सक्षी वाणी 103 से गाएंगे, सक्षी वाणी 103। आओ तुम जो दिनहीन पापी, दुखित क्लेशित बिन विश्राम, पाप के कारण जो बिलापी, जी से गाओ ईसु नाम,
प्रभु यीशु सिद्ध कर चुका तेरा काम। 103
लेकिन पिता परमेश्वर उस जीवता वचन को आपने जीवन में हम रखने पाए और एक ख्रिस्तीय जीवन में होकर के पिता परमेश्वर एक दूसरे लोगों के लिए हम पिता आदर्श का कारण बन सके। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आप प्रभु जो वचन ठहराया गया है उस वचन के भेदों को पिता हमें शिक्षा के तौर पर तो शिक्षा प्रदान शिक्षा दिला ताकि पिता परमेश्वर हम ग्रहण कर सके। और पिता परमेश्वर यह समय हम पिता पूरे मंडली को और मंडली के एक प्रिय परिवार को एक हमारे बेटा बेटियों को माता पिताओं को और जो पिता परमेश्वर यह समय दुख के कारण पिता हॉस्पिटल में पाए जाते हैं उनको भी हम तेरा हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू निश्चय करके पिता परमेश्वर तू उनके बीच में पिता परमेश्वर तेरे वचन को पिता पहुंचा दे ताकि पिता उनके मन में दिलासा मिल सके, शांति मिल सके, ढाढ़स मिल सके और पिता आपने उस दुख और बीमारी से वे मुक्त होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हर प्रकार के पाप उस गुनाह को छबक है और मैं स्वयं तुम्हें तेरा हाथ में सौंपता प्रभु। आप पिता परमेश्वर तेरे सेवक के साथ हो और पिता परमेश्वर उनके जुबान में पिता परमेश्वर तो आपने हाथों को उतरग ताकि पिता परमेश्वर वह तेरा दास या तेरा सेवक जो है वह प्यार प्रभु अपने आप में नहीं लेकिन पिता उनके बीच में तो खड़ा होकर के तू ही बोला कर ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन आज हर एक के लिए वह लाभ का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता आप पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना जीवित यीशु के नाम में मांगते सुन अनुग्रह स्वरत में ग्रहण कर आमीन। आइए हम लोग उपदेश पाठ वचन सुनेंगे और वह पाया जाता है हमारे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय पद संख्या हम लोग 7 से लेकर हम लोग 11 पद तक हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 25वां अध्याय पद 7 से लेकर 11 पद तक और उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। उत्पत्ति 25:7-11 अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोअर के पुत्र एप्रोन के मामे के समुख वाली भूमि में जो मकपेल्ला की गुफा थी उसको मिट्टी दी अर्थात जो भूमि अब्राहम के ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहुराय नामक कुएं के पास रहता था आशीष दी। यहां तक आमीन। मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों बेटे और बेटियों नित्य के जीवन में हम सब उस जीवित परमेश्वर के अद्भुत आशीष के द्वारा हम अपने आप को यह समय में भी हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और जब हम सुरक्षित पाए जाते हैं तो निश्चय कर उसके निकट आकर हम उस जीवता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो जब आज के उपदेश पाठ वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम की मृत्यु के विषय में लेकिन इससे जब हम पहले जब हम देखते हैं
तो संसार के देशों में से परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को उन्होंने ठहराया अर्थात चुनाव किया, जिसके द्वारा एक नवीन राष्ट्र की या तो राष्ट्र का निर्माण हो सके और परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति यही अब्राहम वह कहलाता है, जो कि मेरे प्रियो या अब्राहम को यह हुआ परमेश्वर जबकि चुनाव किया तो एक नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। और यह अब्राहम जो था वह परमेश्वर के अति निकट में वह रहकर परमेश्वर के उस वाचा को वह दृढ़ करता था। जो ख्रिस्त विश्वासी अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता माना जाता है और जैसा वह विश्वास के कारण वह धर्मी गिना गया, वैसे ही एक जाति के कारण नहीं पर विश्वास के कारण मसीही लोग भी वे धर्मी गिने जाते हैं। अब्राहम ईश्वर पर अर्थात परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के कारण ही अपने पिता के घर को वह छोड़कर वह निकल गया, अपने पिता के घर को छोड़कर वह निकल गया। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 12:1 में इन बातों को हम देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, आपने देश और आपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। निश्चय कर इन बातों को अब्राहम अपने जीवन में ग्रहण किया और अपने जीवन में ग्रहण करते हुए उस परमेश्वर की वाचा को परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में वह अनुपालन किया और जिस तरह वह कहा कि आपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो अब्राहम निंदित वह परमेश्वर पिता से वह बातचीत वह करता रहा और जब वह बातचीत करता रहा और इनमें हम देखते हैं कि जब यहां 7वें पद में देखते हैं अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17:1 में हम देखते हैं और वहां देखते हैं जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन में कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा क्योंकि यहोवा परमेश्वर से अब्राहम का ऐसा लगाव था जिस लगाव के साथ में हर समय परमेश्वर से वह बातें करता रहा और जब बातें करता रहा
था वह 99 वर्ष का था, वही समय यहोवा परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। अब वह परमेश्वर का दर्शन करता रहा, अब्राहम परमेश्वर का दर्शन करता रहा, जो कि उत्पत्ति 18:1 में हम देखते हैं। और यह जब हम देखते हैं कि नौ पद में हम देखते हैं, और यहां पर वचन कहता है, उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हेती सोवर के पुत्र एप्रोन की मामेर के सन्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उनको मिट्टी दी। अब्राहम उस मामेर के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय वह तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब ही यहोवा परमेश्वर ने वह अब्राहम को वह दर्शन दिया और सचमुच कर ये मामेर के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय उस तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, तब यह दर्शन के साथ में अब्राहम परमेश्वर से वह वाचा को वह बांधता है और उससे वह पूरा करता है। इसलिए अब हम जब उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17:5 वचन में हम देखते हैं, जब यह वाचा को अपने जीवन काल में वह अब्राहम परमेश्वर के लिए वह पूरा करता है, तब वह 17:5 वचन में वह कहता है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है, जातियों का मूल पिता ठहराया है। प्रियो, आज इसी वजह से हम देखते हैं कि आज वह अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता माना जाता है। अब्राहम का वाचा पालन करना परमेश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास और भरोसा का प्रमाण है। अब यह वंशावली अब्राहम के मृत्यु के प्रति हम देखते हैं कि अब्राहम का मृत्यु का वृतांत जो है इसलिए दिए गए क्योंकि उत्पत्ति की कहानी अब से उसका कोई वर्णन ऐसा नहीं पाया जाएगा, सो बात नहीं है, क्योंकि यहां 17 वचन में आप देखते हैं, क्योंकि अब्राहम वह 175 वर्ष की आयु में होकर वह मर गया। अब 175 वर्ष में जब वह अपना प्राण को छोड़ दिया तो वह अपने उन पूर्वजों से वह मिल गया, जिसके लिए हम आज के वचन पर और इस वचन के आधारित बिंदु को हम देखते हैं। तो परमेश्वर के या तो परमेश्वर की कही गई बातों को आज संसार के लोग और विश्वासी लोग आज उस पर गौर करें, परमेश्वर की कही गई बातों को गौर करें। जब अब्राहम के मृत्यु के बाद इसहाक को आशीष देना
यहां आज प्रकट होती है। और जब 12वें वचन में 10 से 11 वचन में आप दिखेगा तब वह कहता है, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। और अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहराए नामक कुएं के पास रहता था आशीष दी। अब हम यहां देखते हैं कि अब्राहम के मृत्यु के बाद अब्राहम के पुत्र इसहाक को आशीष दिया और यह प्रकट होता है और यह कहता है कि अब्राहम ईश्वर के अति निकट निकट में करीब करीब में वहां चलता था। अर्थात अब्राहम परमेश्वर का सच्चा आज्ञाकारी भक्त था, सच्चा आज्ञाकारी वह भक्त था, वह परमेश्वर की वह आज्ञा को या तो आज्ञाओं और उन वाचाओं से या वह परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश था। वह विषम परिस्थिति में भी सभी बातों को परमेश्वर के भरोसे में वह छोड़ देता था, जिसका प्रमाण को हम देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने वही और उसी अब्राहम से जबकि वह परीक्षा करने लगा और बुढ़ापे की अवस्था में उनके लिए दान के स्वरूप वह एक पुत्र को वह दिया था, जिसमें कि प्यारों हम ऐसे आशा और विश्वास और भरोसा को उसी जीवित परमेश्वर पर वह छोड़ देता था। और जब इसहाक की बारी आई, जो कि वह इसहाक को बलि के लिए जब अब्राहम वह तैयार हो जाता है और उन समय में अब्राहम परमेश्वर पर वह कभी नहीं कुड़कुड़ाया, वह कभी परमेश्वर के प्रति वह नहीं कुड़कुड़ाया। और यही कारण है कि उसके मृत्यु के बाद इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दिया, परमेश्वर को आशीष दिया। और आज हमारा भक्तिपूर्ण हमारे बेटे पोतों पर और परपोतों को भी वह आशीष वह कर सकता है। हमारे बेटे हमारे पोतों और परपोतों को भी वह आशीषित कर सकता है। इसलिए आगे हम देखते हैं कि आज यह आशीष की बातों को हम पाते हैं। लेकिन जब हम आज के जो सुसमाचार वचन में हम देखते हैं तब वहां पर एक ही बात हम पाते हैं, क्रोध, और दूसरा शब्द आती है हत्या। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं वह है क्रोध और हत्या। प्रियो, यह मनुष्य का क्रोध ही है जो अनेक पापों के लिए मनुष्य को उकसाता है, मनुष्य को उकसाता है, मनुष्य का क्रोध ही है जो अनेक पापों के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। जैसे कि हम इस क्रोध के विषय में सबसे पहले हम उत्पत्ति के पुस्तक और उसका चौथा अध्याय और हम 4 और 5 वचन को जब हम देखते हैं और यहां पर उत्पत्ति 4 का
4 और 5 वचन में हम देखते हैं कि आदम के उन बेटों को जो कैन और हवील को हम देखते हैं। प्रियो, जब हाबिल को जन्म दिया और हाबिल जो था वह एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था, कैन जो था वह खेती बाड़ी करने वाला था। और उन दिनों के पश्चात में यहोवा की योजना के तहत अपने अपने कमाई में से जिन भेंटों को परमेश्वर के लिए अर्पण करना था उसी घड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं हाबिल, जो कि अपने भूमि की उपज में से कुछ भेंटों को वह परमेश्वर के लिए और चढ़ाव के निमित्त वह ले गया। और हाबिल और कैन को हम देखते हैं तो इन दोनों में प्रियो हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के एक पहलौटे को अर्थात बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए वह ले आता है। पर इन दोनों के बीच की बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब कैन ने वह अपने भूमि से या तो उपज में से जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जब गया, लेकिन वह समय वह कैन की भेंट को यहोवा परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जब हाबिल ने जब उस पहलौटे उस भेड़ की बच्ची को बच्चा को लेकर के जब वह भेंट चढ़ाता है, यहोवा परमेश्वर ने बड़े हियाव के साथ वह ग्रहण किया। और जब ग्रहण किया तब हाबिल के प्रति कैन का क्रोध जो था वह अत्यधिक वह बढ़ते गया। अब जब वह बढ़ते गया तब हम यहां देखते हैं परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गया, उसके मुंह पर उदासी छा गया। और इसीलिए जिसके कारण हम परमेश्वर के अगर आज्ञाकारी होंगे उनसे डरेंगे, उनसे भय मानेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो ऐसा हरगिज हम काम नहीं कर सकेंगे। जिसके कारण हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं और हम सब परमेश्वर के आशीष से हम तीनों दिन हम वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर के उस आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। पर परमेश्वर के आशीष और प्रेम और दया से हम वंचित हो जाते हैं इस हमारे क्रोध के कारण को ही मिटाकर वह प्रेम पूर्वक अपने पड़ोसियों से वर्ताव करने के लिए वह हमें आज्ञाकारी होने की शिक्षा वह देता है, आज्ञाकारी होने की शिक्षा देता है। प्रियो, सचमुच कर हम आज जो हैं जो आज्ञाकारी होने के लिए वह यीशु मसीह वह हमें प्रेरणा देता है, जिससे हम भी अपने जीवन के हर परिस्थिति में और उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में हम यदि उस अब्राहम की नाई हम छोड़ देंगे, अर्पण कर देंगे और हमारा भरोसा आज उस अब्राहम जिस परमेश्वर पर विश्वास किया वैसे ही हम भरोसा परमेश्वर पर हम छोड़ देंगे, निश्चय करके वह दृढ़ता से दृढ़ता में बने रहेंगे और अपने जीवन यात्रा में उस क्रोध को हम सब हावी होने को नहीं दे सकते हैं और नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज जिस तरह यहां क्रोध की बातें आती है, यह क्रोध जो कि है एक हत्या के शब्द भी है और निश्चय करके प्यारो यह तो एक निश्चय करके बड़े पाप को वह दर्शाता है, वह पाप को दर्शाता है। इसलिए हम आज अपने जीवन काल में इन पापों को हम त्याग कर मसीह के प्रेम को हम अपने जीवन में रखें
और वचन कहता है हम परमेश्वर से प्रेम करें और प्रेम करते हुए उसके विश्वास में हम बने रहें, उसके विश्वास में बने रहें। जब हम परमेश्वर या यीशु ख्रीस्त से प्रेम करते हैं या विश्वास करते हैं, तब हम उनके आज्ञाकारी में हम जीवन व्यतीत करते हैं, उनके आज्ञाकारी में होते हैं। तभी हम अपने को पाप के लिए मरते हैं, अर्थात यीशु का जो कि हम बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो कि आज के पत्री वचन में इन बातों को हम पाते हैं कि यीशु मसीह वह पापी मनुष्यों के लिए वह एक ही बार मरा, और निश्चय करके आज हम अपने पापों के लिए मरते हैं तो निश्चय करके उस यीशु मसीह की बपतिस्मा को हम प्राप्त किए हैं और प्राप्त करते हैं। और दूसरे रूप में हम पाप के लिए मृत होकर उस परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, जिसमें कि यीशु आज वह एक बार मरकर वह जीव उठा और परमेश्वर की वह महिमा के लिए। और आज स्पष्ट यह है कि हम मसीह यीशु में होकर पाप के विरोध खड़े होंगे या खड़े होते हैं तो निश्चय करके वह सच्चाई जो है वह विश्वासता से पाप के लिए हम खड़े होते हैं तो धन्य होते हैं और हमारे जीवन से अब भी परमेश्वर की महिमा होती है, अब भी उस परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए जब हम विश्वासता और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो यह अवश्य है कि हम ईश्वरीय वचन को हम सुने और उस ईश्वर की आज्ञा को हम पालन करें। जिस तरह अब्राहम वह ईश्वर की आज्ञा को वह पालन करता रहा और 175 वर्ष होकर वह दुनिया से वह विदा हो गया। इसलिए ईश्वरीय वचन को हम सुने, जैसे रोमी 10:17 में कहता है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, मसीह के वचन से होता है। इसलिए मेरे प्रियो आज विश्वास से हम हर परमेश्वर के वचन को हम सुने और वचन के अनुसार हम अपने आप को चलने के लिए हम पवित्र करें और इन बातों में को अपने जीवन का आधार हम बना लें और उन्हें अपने जीवन में कर्ज रूप दें। तभी हम धर्मी की नहीं जाएंगे और ईसाई की नहीं, हम उस आशीष को हम पिता परमेश्वर से हम प्राप्त करेंगे। जिस तरह पिता परमेश्वर ने अब्राहम के मृत्यु के बाद वह मामेर और बाग बरीस के सम्मुख उस तंबू के निकट जब उस तंबू के द्वार पर खड़ा था, या वह परमेश्वर ने वह इसहाक को आशीष दी, आज हम हरेक के लिए भी वह आशीष को देने के लिए वह तैयार है। इसलिए आइए हम आज यहोवा परमेश्वर पर हम भरोसा करें और अब्राहम की नाई आज्ञाकारी बने और पाप से अलगाव होकर के परमेश्वर की इच्छा का अनुरूप हम जीवन जीने के लिए हम तैयार हो जाए और निश्चय करके वह पापों से वह मुक्त करके यहोवा परमेश्वर हर प्रकार के आशीष से हम सबको आज भरपूर किया करेगा। और आज के वचन से पिता परमेश्वर आप सबों के लिए बहुत ही आशीष प्रदान करे अब से सदा काल तक, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु हम आपके निकट आते हैं और निश्चय करके पिता परमेश्वर जब हम उस अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं जो कि प्यारे पिता परमेश्वर व अब्राहम
175 वर्ष का होकर वह मर गया और उनके मरने के तहत प्यार पिता परमेश्वर वह इसहाक को तुमने भरपूर आशीष को दी। जिस आशीष को पिता हम आज भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए प्यार पिता परमेश्वर आज जिस तरह अब्राहम ने विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया, वहीं से पिता परमेश्वर हम हर एक पापी मनुष्यों को तो उस विश्वास में परिपक्व कर, ताकि विश्वास में होकर हम भी पिता उसी की नाई हम धर्मी गिने जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन से जो भी आप सुने हैं प्रभु, हम हर एक के जीवन में अमल होने दे और पिता उस वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमारी यह दिन तक प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर की शांति समस्त ज्ञान से बुद्ध है, कृति में आप लोगों की हृदय आप लोगों के मन की रक्षा करे अब से सदा काल तक, आमीन। हम लोग मंडली में जो धन्यवाद का विषय और प्रार्थना निवेदन है उनको हम लोग सुनेंगे। चोरी टोला काके निवासी ओलिवर लकड़ा की पत्नी सुनीता लकड़ा 7/7/2021 को वह बवासीर का ऑपरेशन सकुशलता पूर्वक हुई है, अभी वह स्वस्थ है, जिसके लिए हमारे लकड़ा परिवार एस कुशल के साथ में या बवासीर का ऑपरेशन जो हुई है, ईश्वर पिता को वह धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे प्रार्थना निवेदन हम लोग देखेंगे 46/1 हमारे मिलत कॉलोनी के निवासी हैं, जो कि वह सेवा सदन में वह एडमिट है, जिनका शुगर बढ़ गई है और साथ ही साथ उनके शरीर काफी दुर्बल हो चुकी है। हम लोग मंडली में होकर यह समय हम लोग प्रार्थना करें या वह परमेश्वर हमारे बाबा 46/1 को वह सुस्वस्थ रखे, भला चंगा रखे और भला चंगा होकर ईश्वर पिता को 7/1 परिवार धन्यवाद देने पाए। तीसरा सुधा टोप्पो सेपी, जो कि उनकी बीपी जो है काफी बढ़ गई है, यह परमेश्वर उनको भी दया करे और उनकी बीपी को समन्वय कर दे, नॉर्मल कर दे, ताकि वह उसे भी वह चंगाई को प्राप्त करके यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। इसलिए आइए हम इन निम्न बातों के लिए ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करें और साथ साथ हम लोग प्रार्थना निवेदन जो है वह प्रार्थना को भी हम लोग इसे घड़ी में हम लोग करेंगे। हम लोग धन्यवाद के साथ हम लोग धन्य है परमेश्वर को गाएंगे, धन्य है सुनेंगे।
होशे नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय पद 1 और 2 वचन को हम लोग सुनेंगे। और भजदत्ता होशे आज इस तरह से वह वचन में कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3रे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे इसहाक इब्राहिम, याकूब का जीता हुआ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्यार प्रभु, यह समय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे हम गिड़गिड़ाते हैं पिता परमेश्वर। आज हम पापी मनुष्य होकर इस संसार में प्यार प्रभु आज दुख सुख भोगी होकर के आप जीवन यापन कर रहे हैं, और पिता परमेश्वर अक्सरा तूने हम पापी मनुष्यों पर दुख के अलावे पिता परमेश्वर तो दया करता है, और तेरी दया प्यार प्रभु आज हम पापी मनुष्यों के लिए अमर है, और उस दया में होकर पिता यह समय जो कि पिता परमेश्वर धन्यवाद का विषय है, बहन सुनीता लकड़ा जबकि विगत समय वह अपने बवासीर के कारण वह पीड़ित रही, तूने उनके ऊपर दया की है, तूने पिता परमेश्वर ऐसा नौबत ऐसा परिस्थिति आई, ऑपरेशन करने का नौबत आया पिता परमेश्वर, और उनको ऐसा सहायता किया, उनके मनोबल को तूने बढ़ाया, और दिनांक 7/7/2021 को सफलतापूर्वक वह बवासीर का ऑपरेशन पूरा होती है, और पिता परमेश्वर व बहन सुनीता लकड़ा चोरीटला निवासी आज आपको उस हृदय की गहराई से समस्त लकड़ा परिवार आपको धन्यवाद देते हैं पिता, उनकी धन्यवाद मनु को तो स्वीकार कर, और जो भी पिता यह समय वह स्वस्थ लाभ के लिए हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो भी दावा दुआ की जाती है दी जाती है प्यार पिता, आपकी सामर्थ्य हाथों के द्वारा हर प्रकार के दुख और बीमारी से वह सुरक्षित वह रहने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम मिलत कॉलोनी बाबा 41 को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और सुषमोज करके पिता परमेश्वर काफी लंबी बीमारी के साथ वह अपने बीमारी से वह लड़ रहा है पिता परमेश्वर, और यह समय पिता परमेश्वर उनकी स्थिति वह ठीक नहीं है प्रभु, वह सेवा सदन आईसीयू में वह एडमिट है, शुगर बढ़ गई है, जिनके कारण पिता परमेश्वर वह बाबा 41 का
परिवार आज क्या करते हैं? त्याग कर प्रभु, क्या आज उस बाबा के साथ तो हो ले, और जो भी पिता परमेश्वर उनके शुगर का लेवल जो है वह अत्यधिक बढ़ गई है और वह लकवा पेशेंट है, जो कि यह समय पिता परमेश्वर वह चलने में भी असमर्थ है, थकित शरीर के रूप में वह महसूस कर रहा है। प्यार प्रभु तो डॉक्टरों के डॉक्टर है, वैद्यों के वैद्य है, इसलिए सनातन पिता परमेश्वर विनती करते हैं प्रभु कि जब ये उस 38 वर्ष का रोगी, जबकि उस बेतसदा कुंड के पास वह आशा धरे हुए बैठा रहता था, लेकिन उनका कोई सहायता करने वाला वहां नहीं रहा, और जब पिता परमेश्वर उस कुंड का पानी को सरदूत जब हिलाया करती थी, लोग उस पानी को छू करके वे स्वस्थ हो जाते थे। मेरे पिता परमेश्वर, जब आपका प्रिय पुत्र जब यीशु मसीह उस जगह में आया, और निश्चय करके प्यार प्रभु आज उस 38 वर्ष की रोगी से वह बात करने लगा, तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्यारे पिता परमेश्वर, उस 38 वर्ष का रोगी ने कहा, हे प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे सहायता करने वाला नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, उसे घर तुमने कहा तो आपने खट उठाकर उठा ले। मेरे पिता, आज ऐसा ही 40:1 को हम तेरा हाथ में सौंपता हूं प्रभु, तो आपने सामर्थ्य और शक्तिशाली हाथों के द्वारा यह समय तो स्पर्श कर चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर वह अपने खट को वह उठाकर प्यार पिता परमेश्वर अपने घर को वह चले आवे। हे प्यार पिता परमेश्वर, इसलिए हमारे पूरे एक का परिवार माँ को भी हम तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जबकि पिता परमेश्वर ये दोनों परिवार दोनों जन जो हैं आज अद्भुत रीति से आपके भय में जीवन जीते हैं प्रभु, और तूने समझ करके पिता जिससे तो प्रेम करता है उनके लिए ताड़ना को भी देता है। हे पिता परमेश्वर, आज इस शुगर की बीमारी से, आज लकवा की बीमारी से यथाशीघ्र पिता परमेश्वर उभरने के लिए तू पिता अपने हाथ को तो उनके ऊपर तो बढ़ाए रहे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे हाथों के द्वारा वह बाबा सही सलामत होकर निश्चय करके वह सुरक्षित रहने पाए और अपने घर को लौट आने पाए। ऐसे प्यार प्रभु, जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके साथ हो ले। प्यार पिता परमेश्वर, आज इस हताश और निराश की घड़ी में प्यार पिता हर एक के लिए तो सहायता प्रदान कर। प्यार पिता परमेश्वर, हमारे प्रिय सुधा टोप्पो सीएपी निवासी, जो कि उनके बीपी काफी बढ़ गई है प्यार प्रभु, और वह भी आपने आपको यह समय असहाय महसूस कर रही है। हाँ पिता परमेश्वर, वह भी आप का दासी है पिता परमेश्वर, जो कि आज वे दोनों मिलकर के मंडली के लिए वे सेवा देते हैं, काम करते हैं मंडली में, जिसके लिए पिता परमेश्वर इस तरह की दुख और बीमारी की घड़ी में उन प्यारों के साथ तो हो ले, और उनको भी तो चंगाई दे, ताकि चंगाई प्राप्त करके पिता आपकी महिमा करने पाए। प्यार पिता परमेश्वर, जो आज बीपी जो बढ़ गई है, जो पिता परमेश्वर उनको भी तो नियंत्रण कर, काबू कर, और उनको पिता परमेश्वर तो नॉर्मल कर दे पिता, ताकि वह एक अपने आप में तंदुरुस्त और ताजगी जीवन यापन कर सके। सनातन पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु, हमारे मंडली में जितने प्रकार की दुख और बीमारी से ग्रसित है, दर्द और पीड़ा से ग्रसित है, प्यार पिता परमेश्वर हम जानते हैं, और आप वचन में कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरे साथ रहूंगा और तो मेरे महिमा करने पाओगे। हे पिता परमेश्वर, इसलिए तमाम दुख और दर्द से पीड़ित है हर एक पिता नाम बाय नाम या समय में तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, हर प्रकार के दुख और बीमारी, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा यह समय पिता परमेश्वर छोड़ दे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक लोग और दुख और मुसीबत की घड़ी में पिता परमेश्वर वे आपसे सहायता का अपेक्षा कर रहे हैं, निश्चय करके हर एक सहायता हर एक को तो सहायता कर, ताकि पिता परमेश्वर हर एक लोग भला चंगा होकर तुझे धन्यवाद देने पाए।
मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए हम हर एक को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। हमारे धन्यवाद विषय को और प्रार्थना निवेदन को तूने सुना है प्यार प्रभु, इसलिए आपको हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्यार पिता परमेश्वर। आ उद्धारकर्ता यीशु के नाम में जो पिता हम प्रार्थना नहीं किए हैं या आपसे नहीं मांगे हैं प्यार पिता, आवश्यकता के अनुसार हर एक को तो पूरा कर। और हमारे प्रिय 40 एक्का को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो कि ICU में एडमिट है प्रभु, तो दया कर तरस खा और एक बार पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख हर बीमारी से उनको छुटकारा दिला दे। और पिता वह छुटकारा प्राप्त करके पिता परमेश्वर वह आपकी गहराई से आपको धन्यवाद देने पाए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम प्रार्थना किशोर और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग सराह तुझे गाएंगे, सराह बानी 171 से पहला दूसरा और अंतिम पद को गाएंगे। पहला दूसरा और अंतिम पद 171 एक ही प्यारा है हमारा, प्राण हित और प्राण का नाथ, वह प्रेम का मूल और सारा, उसके बिना मैं अनाथ। 171 एक ही प्यारा है तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे।
आपने कृपा से सब पर दृष्टि कर जो कंगाल पान और रोग और नाना प्रकार के सकेते और दुख में है उनको शांति दें। दयालु पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं प्रभु कि हमारे इस नए गिरजाघर को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। बड़े जोश और हियाव के साथ पिता परमेश्वर यह भवन पिता प्रगति में है। हे पिता परमेश्वर इस भवन में जितने भी कर्ज करता है हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर तो दया कर और पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर या भावन जब तेरी इच्छा थी प्रभु और हमारे काके मंडली के माता पिताओं को तूने अगुवाई किया और अगुवाई के साथ पिता इस कर्ज को वह पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर जो भी आगे भविष्य समय में जो भी पिता या कर्ज रूप चल रही है और निश्चय करके पिता इस कामों में किसी प्रकार की बाधा और किसी प्रकार की कठिनाई ना होने पाए। जितने भी अधिकारी वर्ग पिता बड़े चिंता के साथ में इस काम को और इस बोझ को अपने कंधों पर उठाकर जब आगे बढ़ते हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर हर की तो सहायता कर ताकि पिता निश्चय करके यह भावन पूरा हो सकेगी। हे दयालु पिता हम विनती करते हैं प्रभु कि इस भावन के नाम पर जो भी दानदाताए हैं उन दानदाताओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आज सचमुच कर वह कठिन भार है पिता परमेश्वर जिसके लिए प्यार प्रभु हम बड़े हियाव के साथ अपने मुट्ठी को हम खोलने पाए और पिता तेरे प्रजा के लोग आज आपकी महिमा के घर के लिए अपने अंश को दे करके आपकी महिमा प्रकट करने पाए। प्यार पिता आज के ये आराधना में जो भी खड़ा दान हो गिरजा दान हो और थ्रेवा दान हो अन्य अन्य दान हो हर एक दानों को हम तेरे हाथ में सौंप तो दया कर और उस दान पर आशीष दे ताकि तेरी बढ़ती के लिए वह दान उपयोग में आने पाए आप पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया की बढ़ती होने पाए। हे पिता परमेश्वर आप एक बार फिर से हमारे मंडली के माता पिता छोटे बेटा बेटी भाई बहन हर एक को पिता तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर प्रकार की परिस्थितियों से हर एक को संभाले रहे आप पिता परमेश्वर दिनचर्या के जीवन में हर एक के ऊपर तो आपने अनुग्रह को प्रकट कर हमारे कलीसिया के साथ भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम परीक्षा विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं मंडल से निकाले गए उलट हुए हैं और उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरे और फिरे सब मनुष्यों का तरह ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हम सबको आपस्ता मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वराज में ग्रहण कर आमीन। ए हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है प्रणाम पवित्र किया जावे तेरा राज तेरे से स्वर्ग में से हुए हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और क्षमा डाल प्राप्त बुराई से बचा क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन। आमीन। विश्वास से और दिन मन से हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा करे परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे आमीन।